इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। विधानसभा घेराव को लेकर आज राजद कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त बवाल किया गया। बिहार सरकार के खिलाफ राजद का आक्रोश देखने को मिला। वहीं कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी किया गया है। इस दौरान कई लोग घायल हो चुके हैं, कईयों को चोटें आई हैं। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के हमले के दौरान तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को किसी तरह से बस से ले जाया गया। वहीं लालू के बड़े लाल का कहना है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया है, साथ ही पथराव भी पहले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही शुरू किया गया है। मजिस्ट्रेट को उन्होंने खुद पत्थर फेंकते देखा है। इसके साथ ही अन्य विधायकों को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि राजद के द्वारा बेरोजगारी, अपराध, विधि व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने जबरदस्त लाठियां बरसाई तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से भी रोड़ेबाजी हुई। वहीं पटना के सड़कों पर भगदड़ का माहौल कायम हो गया। बिहार सरकार, बिहार का सारा प्रशासन तंत्र पुलिस पूरा परबर और जो है बौखलाई हुई और तानाशाही रवैया अपनाने काम किया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को टारगेटेड करके, निशाना बना करके पानी का फव्वारा, पत्थर फेंका गया, लाठी चार्ज किया गया और ऊपर से जो है लगातार सभी अपने ऊपर पांच मंजिला सभी मकान है उसमें पत्थर रखा गया। गालियां पुलिस के द्वारा दी जाती थी और टारगेट किया गया विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को और हमारे 1000 से ऊपर सभी नेता साथी कार्यकर्ता पर लाठी चार्ज हुआ, पत्थरों से घायल किया गया। कई लोग बहुत जोर से घायल हुआ है, घायल हुआ है। यह जो है तानाशाही सरकार है, यह जो है निकम्मी सरकार है, निर्दय सरकार है। ऐसे सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। हम महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, शराबबंदी के सवाल पर, राज के सवाल पर, ये सरकार जो है निकम्मी है, इसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। ये बौराई हुई सरकार है और हम लोगों ने 74 का आंदोलन भी देखा, आपातकाल भी। पुलिस का इस्तेमाल बड़ा 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 पत्थर का फेंकने में और छत पर से फेंकने में और आंदोलनकारियों को खदेड़ खदेड़ का जो है रोड़ा से मारना, लाठी
है मानना, शांतिपूर्ण आंदोलन का जो है एकदम नीतीश कुमार ने एक तरह से सारी मर्यादा की तिलांजलि दे दी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पे पुलिस द्वारा पत्थर चलाया गया है, क्या कहेंगे किसके साथ हो रहा है? घटना जो दृश्य उत्पन्न किया है कभी कल्पना नहीं की कि लोकतंत्र में ऐसा होगा। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार की युवा शांतिपूर्वक ढंग से आज के प्रदर्शन को अंजाम दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद। पुलिस आप लोग को गिरफ्तार करके डराना चाहते हैं, क्या कहेंगे? पुलिस आप लोग को गिरफ्तार करके डराना चाहते हैं? पुलिस गिरफ्तार पुलिस गिरफ्तार करे अपना उसी पर चढ़ावे तो पुलिसिया राज बन ही रहा है जी। सड़क पर पुलिस का दृश्य और विधानसभा में पुलिस को बहुत ताकत, जो लोकतंत्र में कोई बोल ही नहीं सकता, मीडिया को कब्जे में। जिस तरह से पुलिस को ये खबर थी, पुलिस ने पूरे बिहार के सभी हमारे यूथ अध्यक्ष को फोन करके ले लिया था कि कितने लोग जिले से आ रहे हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।